our YouTube channel. Oh my God, इतने time बाद मुझे याद आ गया कि रबीका काशिप का ऐसा channel करती थी. Anyways, एक बार फिर एक और नई YouTube video के साथ आपकी रबीका काशिप खान हाजिर हो चुकी हैं. टन 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 टन. Anyways, just ignore it. यकीनन आप लोग मेरा outfit देख के पहचान गए होंगे कि यार आज मैं बाहर गई हुई थी और इन्हीं outfit में मैं कैसे video बना रही हूँ. So basically यार हुआ ये कि मैं पहले बाहर जा रही, मैंने सोचा कि यार शॉपिंग व्लॉग बना लूं क्योंकि मैं शॉपिंग करने जा रही थी, बट फिर मेरा दिल नहीं किया. मैंने बोला यार नहीं, ये वाले व्लॉग्स बहुत हो चुके, अब इसको रहने देते हैं, अब कुछ और शूट करेंगे. सो मुझे पहले यूट्यूब वीडियो जाने से पहले शूट करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो गया था, तो मैं एज यूजुअल बहुत लेट हो गया था. सो इसलिए फिर मैंने बोला कि आके शूट कर लूं. आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ. 4 बज रहे हैं और मैं रात के 4 बजे यूट्यूब वीडियो शूट करी बिकॉज मुझे अपलोडिंग करनी है. सो यार इतने टाइम से मेरे जो फैंस है, मेरी जो ऑडियंस है, वो मुझसे कब से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ही, आपने इतने पहले व्हाट्स इन द बैग बनाया था, अब हमें बताएं आपके अब बैग में क्या होता है. क्योंकि उस वक्त ऑफ कोर्स आप शो में जाती थी तो उसी लिहाज से मेकअप शेकअप होता था, लेकिन अब तो ऑफ कोर्स आपकी एक डेली रूटीन है, शूट्स पर जाती है, एक अलग तरीके का यू नो आपकी जिंदगी चल रही है. तो अब आपके बैग में होता क्या है हमें वो देखें. लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आप बैग में ऐसा क्या लेके जाती हैं, हमें भी बताया था कि हमें भी पता चले, हम भी मे बी अपने बैग में कोई एडिशन करते हैं आपको देख के. सो इसलिए आज मैं आप लोग लेके आई हूँ व्हाट्स इन माय बैग एक बार फिर, तो मेरे प्यारे से खजाने को हाजिर किया जाए. सो हियर इज माय बैग गाइस. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यकीनन आप लोग इस बैग को देख के ओ माय गॉड जरूर बोलोगे. इतना बड़ा बैग, इसमें क्या खजाना छुपाती हैं आप? तो भाई वो जो खजाना है ना, वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी. बट यार बहुत प्रिटी बैग है, मतलब इसके अंदर जो भी खजाना हो, पर ये लेने में बहुत अच्छा लगता है. मैं इस तरह से हैंग भी कर लेती हूँ, इस तरह से हाथ में पकड़ भी लेती हूँ, कभी यूं सारे तरीके जो है वो मेरे चलते रहते हैं. सो अब मैं बताती हूँ मेरे बैग में क्या है. अरे वाह, आज तो ये मेरी शर्ट से मैच भी कर रहा है. वाओ, वेरी नाइस. खैर, सो अब हम इसको ओपन करते हैं. सबसे पहले क्या निकलता है जरा देखे तो. ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने कॉम से, जो कि है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दांतों वाला कॉम. मतलब कंगा. मेरे बाजू में इस कॉम के अलावा नहीं होते, मतलब जो ब्रशेस होते हैं उससे मेरे बाजू में वो टूटते हैं, खींचते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं ये वाला कॉम इस्तेमाल करती हूँ. ये एक तो इजी टू कैरी, ऊपर से मेरे बाल जो है ना अच्छे से ये कॉम कर देता है. सो दैट्स व्हाई मैं ये वाला कॉम इस्तेमाल करती हूँ. ये वाला राज भी आप लोगों को पता चल ही गया है. खैर, अब है मेरे पास ये ग्लासेस, जो कि मैं बॉक्स में रखती हूँ बिकॉज कभी भी नीड पड़ सकती है इसकी. मैं कभी अनफॉर्चुनेटली घर पे भूल जाती तो मेरे पास होता है बैग में मौजूद. ये बैग ऐसा है मैं हर जगह लेके चले जाती हूँ. मतलब वैसे नॉर्मल मैं क्लचेस वगैरह लेती हूँ, बट ये मैं इसको गाड़ी में फॉर द सेफ साइड रखती हूँ, क्योंकि अगर इनकेस मैं कोई चीज भूल गई तो मेरे पास बैग में होती है. और आप लोगों को तो पता है आपकी रबीका काशिप खान कभी कभी छोटे छोटे मिनी बैग्स भी पकड़ती हैं, तो उसमें तो कोई सामान आता नहीं ना, वो जस्ट स्टाइल के लिए होता है. तो जो असल खजाना होता है वो इस बड़े बैग में होता है. मैं सोचा फ्रेम थोड़ा पीछे करती हूँ ताकि आप लोगों को मेरा बैग भी प्रॉपर तरीके से नजर आ जाए. नेक्स्ट मेरे पास है मेंटोस. ये तो मस्त है, मतलब मैं कुछ भी भूल जाऊँ ये नहीं भूलती. ऐसे कैसे हो सकता है, समटाइम्स तो ऐसा होता है यार हम भूल गए, कैसे भूल गए, ड्रांस से लेनी पड़ती है. बट ये मेरे पास हमेशा बैग में ही होती है, क्योंकि ये मैंने बैग के लिए ही ली है. कुछ भी हो जाए इसको मैं कभी निकालती नहीं हूँ, घर के लिए मैं अलग लाती हूँ. नेक्स्ट मेरे पास है ये छोटू सा प्यारा सा मिरर. आप लोगों को पता है आपकी रबीका काशिप खान को छोटू मिरर के अलावा किसी मिरर में मेकअप नहीं होता है, पता है ना आप सबको. तो यही सीन है, और ये इजी टू कैरी है यार, इसलिए मैं ये इसको इस तरह से फोल्ड करके अपने बैग में रखती हूँ. सो नेक्स्ट आई हैव, ओ दो चीजें एक साथ निकल गई. सो मस्कारा, काशीज का मस्कारा. अच्छा मैं आपको मस्कारे की एक बात बताऊँ, काशीज का मस्कारा एक तो है बहुत अच्छा, और कभी कभार एक दफा हुआ था, कभी कभार तो नहीं, एक दफा ऐसा हुआ बगैर मस्कारा के बाहर चली गई और मैं बोली यार मेरे फेस में कोई कमी लग रही, मतलब क्या लगाना मैं भूल गई. फिर मुझे याद आया मस्कारा नहीं लगाया, और मस्कारे से ही आपके चेहरे पे रौनक आती है, ये तो सबको ही पता है. जब से ये हादसा हुआ है, जब से मैं मस्कारा अपने बैग में रखती हूँ कि यार अगर मैं कभी मैं भूल गई, क्योंकि मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ, तो मेरे पास मस्कारा फॉर द सेफ साइड होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई दैट इज द मेन सीक्रेट. नेक्स्ट आई हैव ब्लश, ब्रश और ये ब्लश. ये वाला मेरा फेवरेट शेड है, दैट्स व्हाई मैं ये शेड रखती हूँ. घर पे मेरे अलग है, बैग में मेरे ये दोनों ही होते हैं मस्ट. अच्छा ये बात नहीं कि सिर्फ ब्रश ही रखती हूँ, टेंट भी होता है मेरे पास, टेंट भी मैं रखती हूँ. शाइस्ता लोधी का टेंट, मैंने आप लोग बताया था ना मॉर्निंग शो में, ये टेंट बहुत अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग रहता है एज कम्पेयर टू ब्लश. ये टेंट बहुत अच्छा है, एक तो
इसकी लास्टिंग बहुत है, ऊपर से ये शेड मेरा फेवरेट है। शेड का नाम है रेड रश। सो ये सारा सामान तो जस्ट एक पोर्शन का था, ये एक पोर्शन पूरा खाली हो चुका है। नेक्स्ट पोर्शन की जिप हम खोल लेते हैं। अब मैं आपको बता दी उसमें मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले मुझे मिला है ये चार्जर। आप लोग यकीन नहीं करोगे, चार्जर मैंने दो लेके रखे हुए हैं, एक मेरे बैग में होता है और एक मेरे घर में होता है। घर में जब होती थी उसी से चार्ज करती हूँ, बाहर इनकेस मेरी चार्जिंग खत्म हो जाए, किसी के घर चले जाते हैं वीडियोस बना बना के चार्जिंग खत्म हो गई है, तो मेरे पास फॉर द सेफ साइड ये चार्जर मौजूद होता है ओरिजिनल आईफोन का। नेक्स्ट मेरे पास है ये पोनी बैंड वट एवर यू कैन कॉल। ये मैं अपने पास इसलिए रखती हूँ क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा कितनी गर्मी हो या सर्दी, मेरे पास हमेशा होते हैं क्योंकि समटाइम्स जो होते हैं वो बाल टाई करने होते हैं, तो ये होना चाहिए आपके पास, इसलिए मैं इसको बैग में ही रखती हूँ ताकि कभी भी मैं अपने बालों को टाई कर सकूं। और आजकल तो आप लोग के सामने गर्मी कितनी ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्वेटिंग मुझे नेक पर होती है और अपर लिप्स पर, पता नहीं क्यों बचपन से ऐसा ही है, अपर लिप्स पे पूरा पसीना आता रहेगा, नेक पे पूरा पसीना आई मीन स्वेटिंग होती रहेगी, तो ये सब मेरा चलता रहता है। पहले तो मैं मेकअप भी इतना सारा रखती थी लेकिन अब मैं मेकअप नहीं रखती क्योंकि अब मुझे नीड ही नहीं मेकअप में करती रहती, जस्ट टिंट होता है लिपस्टिक होती है, दैट्स ऑल। ओके सो ये मेरे पास है हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। अच्छा बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे आप कौन सा प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करती है, मैंने इतनी दफा अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया, मुझे लगता है आप लोग यूट्यूब वीडियो देखते नहीं हो, ये आप लोग बार बार पूछते रहते हो कौन सा प्रोटेक्शन स्प्रे आप जो है वो यूज करती है। सो आज मैं फिर से एक दफा दोबारा बता रही हूँ कि ओसिस का ये सिल्वर कलर का रेड से लिखा हुआ ये वाला प्रोटेक्शन स्प्रे जो वो मैं यूज करती हूँ, स्ट्रेटनर से पहले, कलर से पहले, हेयर स्टाइलिंग से पहले ये ही यूज होता है। तो ये इसको मैं बैग में इसलिए रखती हूँ कि यार नॉर्मली सलोन्स में यूज नहीं होता स्प्रे, इतना लगता है बाल खराब हो जाते, पूरे तरीके से डैमेज हो जाते, तो जब भी मेरी हेयर स्टाइलिंग होती है उससे पहले मैं अपने बालों पे जरूर ये स्प्रे करती हूँ ताकि ज्यादा नुकसान ना हो मेरे बालों का। नेक्स्ट मेरे पास है ये बॉडी स्प्रे, ये बहुत अच्छा है, अभी भी मैं लगा लेती हूँ। ये वाला मेरा फेवरेट बॉडी स्प्रे है बाय द वे। अब देखते हैं अब हमारे पास क्या है। हाँ ये परफ्यूम। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब भी मुझे किसी खास जगह जाना होता है ना, हमेशा हमेशा मैं परफ्यूम लगाना भूल जाती हूँ। कैन यू इमेजिन इतनी भुलक्कड़ मैं कैसे हो सकती हूँ। तो इसलिए ये चीज खत्म करने के लिए मैंने अपने पास अलग से परफ्यूम खरीद के मैंने बैग में एड कर दिया है ताकि इन केस अगर मैं भूलूं तो मेरे पास परफ्यूम होना चाहिए, ऐसे तो नहीं जा सकते ना, ये लगाना जरूरी होता है। ये वाला परफ्यूम मेरा फेवरेट है बर्बरी बॉडी, देख लो आप लोग। सो नेक्स्ट आई हैव क्लींजिंग वाइप्स। ये मैं अपने पास इसलिए रखती हूँ, जो भी सलोन से मेकअप होता है वो लोग आई डोंट नो कौन से वाइप्स यूज करते हैं, कॉटन से साफ करते हैं या व्हाटएवर जो भी उनका तरीकेकार होता है, वो मेरी स्किन को सूट नहीं करता और मुझे अपनी स्किन का ख्याल खुद रखना है, तो इसलिए जो गार्नियर वाले मेरे क्लींजिंग वाइप्स है ना यही मेरी स्किन को सूट करती है। तो ये वाले वाइप्स मैं अपने बैग में रखती हूँ ताकि मुझे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो या दीज प्रमोशन नहीं है, वैसे दिखा रही हूँ। तो अनदर थिंग आई हैव, अभी बहुत सारी चीजें है, थोड़ी सबर रखो। ओके सो लेंस की ये बॉक्स डिबिया जो भी इसको कहेंगे, ये मैं इसलिए, ये तो खैर मम्मा ने वो जबरदस्ती मुझसे रखवाना शुरू किया है क्योंकि हमेशा ऐसा तो मैं लेंस लगा के चली जाती हूँ, मेरी आंखों में दर्द होता है तो मेरे पास कोई बॉक्स नहीं होती जिसमें मैं अपने लेंस निकाल के रख सकूं, तो मम्मा ने जबरदस्ती मम्मा ने मेरे बैग में ऐड किया है ताकि मुझे मुश्किल ना हो, जब भी मेरी आंखों में दर्द हो मैं उतार के लेंस अपने बॉक्स में रख दूं, इसलिए थैंक यू मम्मा यार, वैसे मम्मा ने बहुत अच्छा काम किया। तो अब देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। मेरे पास ये सनब्लॉक, ये तो आप लोग को पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट Which I have in my bag is this sunblock. Normally हम लोग सिर्फ face पर sunblock लगाते हैं और sometimes neck पर लगाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हाथों पे भी लगाना है। सबसे ज्यादा आपके हाथों को affect होता है, खासकर fingers को और पैरों को, तो इसलिए भाई हर जगह आप sunblock use करें क्योंकि गर्मी बहुत है, अगर आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है सो प्लीज यूज sunblock. सो ये मैं अपने बैग में रखती हूँ। सो नेक्स्ट आई हैव दिस हैंड sanitizer. एंड आई थिंक जब से कोविड खत्म हुआ है ना तब से लेके अब तक हैंड सैनिटाइजर ना बहुत ही मेन चीज है हमारे घर की, चाहे वो मम्मा का बैग हो चाहे वो मेरा बैग हो, हमेशा हमारे बैग्स में ये हैंड सैनिटाइजर आपको मिलेगा क्योंकि ऑफ कोर्स आपको अपना ख्याल खुद रखना है तो ये हैंड सैनिटाइजर से ही आपको सैनिटाइज करने होते हैं अपने हैंड्स कहीं पर भी ना, आप जाओ एंड ऑल यू नो बाकी आप लोग समझते हो, तो इसलिए हैंड सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी अपने बैग में रखना शुरू कर दो। अब देखते हैं आप क्या है हमारे पास, नहीं सारी चीजें आई यहाँ मेरे बैग में, कभी मैंने खुद भी रियलाइज नहीं किया है।
नेक्स्ट मेरे पास ये हाइलाइटर है काशीज का, लेट मी शो यू गाइस। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है और ये आप लोग देख सकते गड्ढा भी हो गया, कब से मैं यूज कर रही हूँ अब तो होना ही था। खैर ये वाला मेरा फेवरेट है, आप लोगों को नंबर भी बता दूं, हाइलाइटर का 9 नंबर है, बाकी छूट गया है, आप लोग चाहो तो आप लोग ले सकते हो। इसकी वजह से मेरा चेहरा जो है वो ग्लो 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 करता है। सो आई थिंक लास्ट बचा है, बल्कि हाँ दो चीजें बची, मैं आप लोगों को बता दूं। मेरे पास है ये नेल पॉलिश, न्यूड शेड है, मैं अपने पास ले रहती हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अभी आप लोग को एक बात बताऊं, मेरे नेल्स लगे हुए, नेल्स की नेल पॉलिश उखड़ी हुई और मैं ऐसी नेल्स लेके मॉल चली गई। कैन यू इमेजिन है कितनी लापरवाह हो गई हूँ मैं। इसलिए मैंने ये नेल पॉलिश भी अपने बैग में रखना शुरू कर दी कि अगर इन केस कभी मैं लगाना भूल जाऊं या मेरे हैंड्स इतने गंदे उखड़ी उखड़ी नेल पॉलिश हो तो मेरे पास कोई नेल पॉलिश होनी चाहिए जिसको मैं अपने हाथों पर लगा सकूं, अपने नाखूनों पर आएंगे तो इसीलिए। सो द लास्ट थिंग आई हैव दिस लेंस ड्रॉप। लेंस ड्रॉप इसलिए मैं अपने पास रहती हूँ क्योंकि समटाइम्स लेंस पर यू नो आंखों में खटक होती है, तो ये लेंस ड्रॉप जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप अपनी आईज में डाल लें जस्ट लाइक दिस, इसी वजह से मुझे रोना आता है। मजाक कर रही हूँ। ये वाले लेंस ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं अपने बैग में रखती हूँ फॉर द सेफ साइड। सो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी व्हाट्स इन माय बिगेस्ट बैग एक्चुअली। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपकी रबिया काशी खान के बैग में क्या क्या होता है, और मेरे ख्याल से ये पहले वाले व्हाट्स इन माय बैग से डिफरेंट वीडियो होगी, राइट? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मेरे बैग में पहले क्या होता था और अब क्या चेंजेस आए हैं। खैर ये सारी चीजें जो थी वो बहुत मेन थी, सारी चीजें जितनी भी मैंने अपने बैग में रखी हुई है, तो आप लोग भी चाहो तो अपने बैग में ही ऐड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार बरसा दीजिए। बट मैं आजकल देख रही हूँ आप लोग बहुत सारा प्यार नहीं बरसा रहे हैं, क्यों? इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं और मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग जिस तरीके से पहले प्यार बरसाते थे उसी तरीके से, मतलब उससे ज्यादा प्यार बरसाओ अब, बट आप लोग बरसाते नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया सबको। आप लोग मुझे ना सपोर्ट करते हो, इतना सारा प्यार बरसाते हो तो मुझे मोटिवेशन, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे फैंस मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे इतनी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इतनी ज्यादा दुआएं करते हैं। अगर आप लोग मेरे कहते तो मैं ऐसी साइड होकर बैठ जाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी आप लोग के लिए। अगर एग्री करते हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या कहते हो, चलिए हम? अच्छा नहीं जा रही, मजाक करिए। अब तो मैंने बोल दिया है, अब मैं देखूंगी कि आप लोग कितना ज्यादा प्यार बरसाते हो मेरे कहने के बाद। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नई नई वीडियोस के साथ, नई नई रील्स के साथ आप लोग के सामने आपकी प्यारी रबिया काशी खान हाजिर होती है। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। Thank you.